हाँ हेलो बच्चों, देखो आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में। इसमें क्या लिखा है, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, यानी कि हमने लिखा है सम पर्टिकुलर फंक्शन अगर होंगे कुछ अलग वैरायटी के, तो उनके समाकलन कैसे करने वाले हैं। तो पहले आप ये देख लो कि उन फंक्शन का नेचर कैसा होगा। तो हमारे पास देखो ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के फलन है, तो हम इनका कैसे समाकलन करेंगे। उसने क्या लिखा है, तो ये अलग अलग उनकी पहचान है, उनकी एक अलग आइडेंटिटीज है कि किस टाइप के फलन हो सकते हैं। तो हमने कहा कि देखो इस टाइप का होगा तो उसका समाकलन क्या बनेगा। तो हमने क्या लिखा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन एक्स के सापेक्ष में कितना आ रहा है, देखो वन अपॉन टू ए लोग मोड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, तो ऊपर पहले जाएगा माइनस और नीचे आ जाएगा उसका प्लस, x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। फिर अगर मैं तो पहले कौन है, वेरिएबल माइनस नंबर, और यहां पे क्या हो गया, नंबर माइनस वेरिएबल दोनों का कितनी आ रही घात, दो आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि मैंने इसको सिर्फ स्विच कर दिया है, एकदम उल्टा कर दिया है। तो मैंने क्या लिखा है, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स के सापेक्ष में। देखो हर एक चीज बराबर है, वन अपॉन टू ए लोग, अब क्या ए प्लस लिखा है, मैंने ए प्लस एक्स की ए शुरू में ना यहां पर, तो मैंने ए माइनस एक्स नहीं बोलूंगा, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो मतलब इन दोनों में सिर्फ छोटा सा फर्क आ रहा, थोड़ा सा फर्क है। देखो वन अपॉइंट टू है, वन अपॉइंट टू है लोग यहाँ पर भी है, मोड के पास फिर कोई फंक्शन आ गया, यहाँ पे लोग के बाद फंक्शन आ रहा है। फर्क क्या हो रहा है, जब ये वेरिएबल शुरू में आया एक्स माइनस नंबर, तो पूरा मैंने वो लिखा एक्स माइनस ए बटे उसका प्लस, और इसको कर दो उल्टा कर दो, तो अब पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, नंबर आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, दोनों में सिर्फ थोड़ा सा चेंज आ रहा है, देख लो आप लोग, तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो अगर मैं इन दोनों को थोड़ा गैस करूं तो सिर्फ ये फॉर्मूलाज है मेरे, तो अगर मुझे इसको अप्लाई करना है यहां पर, देखो थोड़ा डिफिकल्ट चीजें हैं, लेकिन समझ में कब आएगा, जब आप उनका एक के बाद एक एग्जाम्पल को समझोगे। मैंने कहा मुझे पहले वाले को अप्लाई करना है, तो मैंने क्या देखा, मेरे पास ये एक सवाल आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस चार। आपने क्या देखा कि सर बिल्कुल सही बात है, पहले वेरिएबल आ रहा फिर नंबर आ रहा, तो नंबर कौन है चार, तो मैं इसको स्क्वायर में चेंज कर लूं, तो मैं कह सकता हूं इसके बारे में ए बटे एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि चार जो होगा दो की घात दो होता है ना, दो स्क्वायर, तो मुझे याद आ गया ए का मान अगर मैं कंपेयर करता हूं दो आ रहा है, पहले लिख दो यूजिंग दी फॉर्मूला ए बटे टू ए लॉग ऑफ, अब देखो एक्स माइनस ए है ना, तो एक्स माइनस बटे एक्स प्लस, देख लो यहां से बेटा, तो जब था वेरिएबल माइनस नंबर, तो मैंने क्या लिखा एक्स माइनस ए बटे प्लस वाला मान, अब ए कौन है यहां से दो, तो मैं लिखूंगा इसका मान यहां पर ए बटे दो गुणा दो लोग ऑफ एक्स माइनस दो बटे एक्स प्लस दो, सही। तुम बोल सर इससे तो कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही, तो अब ये हो जाएगा दो दूनी चार, तो ए बटे चार लोग ये था बेटा, सही है। तो ये पहला फॉर्मूला आपको ऐसे यूज करना है। अब बात करो आप दूसरे वाले फॉर्मूले में, अब इसमें नंबर शुरू में आ जाएगा, वेरिएबल बाद में आएगा, बिल्कुल सेम कॉपी करना बेटा। तो वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए बटे दो ए, तो वन बाई टू ए लोग ए प्लस एक्स आएगा अपॉन ए माइनस एक्स, तो पहले और दूसरे में कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं बात करता हूं तीसरे के लिए, और मैं इसको देखो यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है।
तो तीसरे क्या सवाल मेरे पास जो फॉर्मूला है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन आएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि जब प्लस आ जाएगा दोनों के बीच में तो उसका फॉर्मूला अलग बनेगा, जब माइनस था तो लॉग में जा रहा है, देखो एक बार प्लीज, जब दोनों में माइनस आ रहा है तो ये लॉग में जा रहा है, जैसे प्लस हुआ एकदम टेन इनवर्स एक्स बटे ए आ जाएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। कैसे देखो, अगर मैं इसका एक एग्जांपल ले लूं आपके पास कि इसका समाकलन क्या होगा, ये वाला देखो एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस नौ, तुमने क्या देखा इसके बारे में कि सर एक काम करते हैं ये ऐसा आ गया, तो पहले मैंने नंबर को स्क्वायर में चेंज कर लिया क्योंकि इसका स्क्वायर बन सकता है, तो आपका ये डाउट हो सकता है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कैसे करोगे, बोला कोई बड़ी बात नहीं है उसको भी हम देखेंगे। अभी आया एक्स स्क्वायर प्लस ए की घात दो, देखो मैं इस पे आ गया बेटा, आपने कहा था नंबर का स्क्वायर प्लस वेरिएबल या फिर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस नंबर स्क्वायर, तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि एडिशन तो दोनों का हो रहा था बेटा, तो मैंने क्या लिखा इसके बारे में कि यूजिंग द फॉर्मूला क्या बोलेंगे आप, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस का सी, तब मेरे पास x तो x है तो a कौन है तीन, ये आ गया आपका आंसर, देख लो आप लोग, तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले को लगा के देखा तो a का मान तीन आ रहा है मुझे, तो मैंने बस एक जगह पे तीन को पुट कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये पहले तीन फॉर्मूले आपके हो गए क्लियर, पहले तीन देख लो आप लोग। अब तुम्हारे सवाल ये भी आता है सर अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ना होके कोई नंबर दूसरा आ जाए, कहीं पे तीन लिखा हुआ होगा, कहीं पे पांच होगा, कहीं पे सात होगा, तो मान लो अगर ये कोई सवाल ऐसा बन जाए आपके पास कि इसका समाकलन क्या बनेगा, तो बोले सर कोई बड़ी बात नहीं, हम इस पांच को स्क्वायर में चेंज ऐसा करेंगे रूट लगा के कर देंगे, क्यों भाई आपको याद है, यानी कि वो ऐसा लिखा जाएगा वैसे नंबर सेवन है तो रूट सेवन की घात दो लिख देंगे, वैसे ही पांच को रूट पांच का स्क्वायर बोल देंगे। तो देख लो आप अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो बना सकते हो, ये ना देखो अब ये लिखा गया नंबर रूट पांच की घात दो आ गया, तो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वापस फॉर्मूला लग जाएगा क्या बोलेगा वन अपॉन ए यानी कि रूट पांच टेन इनवर्स एक्स बटे ए यानी कि रूट पांच और प्लस का सी, ये बन गया आपका आंसर, क्योंकि मैंने वापस ए को लगा दिया। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, देखो तीनों सवाल तीनों फॉर्मूले ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा आपको याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप कोई भी सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी तीन की बात हम आज नहीं करने वाले, हम अगली बार करेंगे, लिख दिया है बस आप नोट डाउन कर लो, ये तीन की बात अगले लेक्चर में हम करेंगे जब इन तीनों पे रूट आ जाएंगे, वो पहले पे भी रूट आ रहा है, दूसरे पे रूट आ रहा है, तीसरे वाले पे रूट आ रहा है, तो तीन तो है बिना रूट के सवाल और तीन है रूट वाले सवाल यानी कि फॉर्मूलास, तो तीन रूट पे काम करेंगे और तीन फॉर्मूले बिना रूट पे आ रहे थे, तो यहां भी कोई रूट नहीं आ रहा, यहां भी रूट नहीं आ रहा, यहां भी रूट नहीं आया, तो आज हमने बात करी जो बिना रूट के थे। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। अब एक सवाल और देखो, थोड़ा सा हटके मिलता है अगर तो आप आराम से बना सकते हो इन तीनों फॉर्मूलों की मदद से, ये फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। कभी कभी क्या होगा वेरिएबल की गुणा में कोई एक कांस्टेंट आ सकता है, तो आपको उससे डरना नहीं है कि ये कैसे आ गया,
जैसे कि आपके पास एक सवाल है, उसको आप देख लो कि हम इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करें इनके साथ। जैसे मैंने आपको ये लिख दिया बेटा, ये एक एग्जांपल है मेरे पास, एक बटे, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 16 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हुआ भाई, देखो इन फॉर्मूलास पे जो भी ये एक्स आ रहा है उसकी गुणा में कोई नंबर नहीं मिल रहा, वन के अलावा कहीं दो नहीं लिखा मैंने, तीन भी नहीं है, कहीं पांच भी नहीं है। तो भाई यहाँ भी एक्स का गुणांक में एक आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर गुणांक में एक आ रहा है, और यहाँ भी बेटा एक आ रहा है। लेकिन अगर कोई गुणांक में नंबर आ जाए उसका क्या तरीका होगा, तीनों में एक ही मेथड लगा रहा हूं, तीनों के लिए एक ही लॉजिक है, सिर्फ जो भी नंबर एक्स स्क्वायर में गुणा कर रहा होगा कोशिश ये करो वो एक स्क्वायर में बदल जाए। जैसे ये कौन है 25 एक्स स्क्वायर, मेरे कहने का मतलब ये हुआ मैं इस बेचारे को ऐसा लिख सकता हूं कि पूरे का स्क्वायर कहीं लिखा हुआ, मान लो कोई सवाल ऐसा आ जाए एक बटे 6 अगर मैं कहीं लिखा हुआ देखता हूं तो इसका समाकलन क्या होगा, तो बोले सर देखो ये तो बन सकता है 4 की घात 2, यानी कि ए स्क्वायर प्लस, ये पूरा एक्स नहीं है। क्यों नहीं है एक्स, क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर की गुणा में 3 आ चुका है, तो उसे बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म में बी, तो ये बी स्क्वायर बनेगा। अब बी स्क्वायर कैसे बनेगा कि पहले मैं इस पूरे सिस्टम को समथिंग होल स्क्वायर बोलूंगा, मतलब ये हुआ। तो इसको तुम क्या करोगे, √3x^2, ठीक है, तो इसको पहले आप चेंज करोगे बी स्क्वायर में, तो 3x² क्या बन गया √3x^2। तो ये समथिंग स्क्वायर में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाओगे। क्यों, आपके पास x की गुणा में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो उसे हटाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब देखो तो मैंने क्या देखा इसके बारे में, इसको आप कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करो, बस ये छोटी सी कहानी थी। तो आपको याद आया सर 1 की घात 2, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अब एक्स के साथ में कोई नंबर आ चुका है बेटा, तो उसको मैं बोलूंगा बी। तो यानी कि मैं लिखूंगा कि मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए ऐसा होना चाहिए। चलो अगर मैंने एक्स लिखा कोई बड़ी बात नहीं, जब आपको मैंने एक्स ही लिखा है तो एक्स में आप याद कर लेते हो, यानी कि ऐसा फॉर्मूला बेटा 1 / a² - x² dx, ठीक है। आपने कहीं कहा था इसके बारे में कि सर ये रहा दूसरा फॉर्मूला, कि जब नंबर शुरू में आता है तो उसका फॉर्मूला था 1 / a log a + x / a - x + c। तो ए तो मेरे पास है 4, लेकिन जो x है वो कौन है 5x, ये कौन है 5x, तो ये x से अलग चला गया जिसमें 5 से गुणा हो चुकी है। तो पहले तो आप इसमें रूल लगा दो सिंपल, क्या बनेगा इसके लिए कि पुट a बराबर 4, तो मैंने कहा 1/2 * a का मान, फिर log आएगा मोड के अंदर a + x / a - x + c लिख रहे हो आप। लेकिन आपको पहले एक चीज को और समझना होगा, जो x की जगह पे गया 5x, जो ये नंबर 5 है वो भाग करेगा नीचे जाके, तो यानी कि इसमें 5 से और गुणा कर लेना आप, बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना जरूरी था बेटा। तो जो चीज x में गुणा करेगी उसको एक के बटे में लिखना पड़ेगा, तो जो 1/2 है ना, तो पहले आप उससे गुणा कर लिया करो। तो मैंने क्या लिखा 5 * 20 = 40 log ऑफ प्लस का सी, ये था इसका फाइनल आंसर। तो मैंने क्या बोला, जो चीज x के जगह पे बन चुका है गुणा करने से 5 आया ना x के साथ में, उसको भाग करना पड़ेगा बेटा। तो 1/2 तो फॉर्मूले से आया,
ये चार ए का मान है, देखो यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये रहा ए का मान चार, पांच कहां से आया, जो एक्स की गुणा में होगा वो नीचे गुणा कर लेगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास इसके तीनों फॉर्मूलास का एक मेथड, बाकी देखो हम बात करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ तीन फॉर्मूलास के हमने काम किया है।